दोस्तों आज की इस वीडियो में एक ऐसी बाइक लेके आए हैं जो आपने अभी तक ना तो देखी होगी ना कभी चलाई होगी। तो आज हम बात करने वाले हैं KTM 390 एडवेंचर SW के बारे में, ठीक है। 2023 वाला मॉडल है और बहुत ही अल्टीमेट बाइक है। ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल एडवेंचर आती है उससे इसमें काफ़ी डिफरेंस है। ये वाली है जो आपने देखी होगी और चलाई भी हो, क्या पता ये नॉर्मल एडवेंचर है। तो आज हम इसकी बात ना करके इसकी बात करेंगे, इस बाइक में आपको क्या कुछ मिल जाता है और कैसी ये बाइक रहने वाली है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, इसका जो फ्रंट लुक है बहुत ही अल्टीमेट लगता है। Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for regrets. I've been flying from town to town. LED हेडलैम्प्स मिल जाते हैं, विद DRL साइड में जो है इंडिकेटर्स मिल जाते हैं, ठीक है। LED इंडिकेटर आपको मिलते हैं। फ्रंट में जो इसका व्हील है बहुत ही अल्टीमेट लगता है, बहुत ही चौड़ा है और इसका जो डायल है ना डिस्क का वो भी काफी बड़ा है, ये देखिए, ठीक है। बाइब्री की तरफ से ब्रेक्स आते हैं और जो टायर की जो प्रोफाइल रहने वाली है 100/90/19 यानी 19 इंच का आपको जो है फ्रंट में जो है व्हील मिलने वाला है। स्पोक व्हील इसमें आपको मिलने वाले हैं। अलॉय व्हील का ऑप्शन इस वाले मॉडल में नहीं मिलता है आपको। अलॉय व्हील के लिए आपको दूसरा वाला मॉडल लेना पड़ता है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। यहाँ पे सामने आप इसके जो है नंबर प्लेट लगा सकते हो। सर इसका काफी बड़ा बड़ा लगता है और बहुत ही अल्टीमेट ये बाइक देखने में लगती है। तो ये देखो, इस टाइप के आपको USD फॉक्स मिलते हैं जो कि पूरी तरीके से कवर्ड है इसके जो है मडगार्ड के साथ ही। तो मडगार्ड आपका पूरे जो है USD फॉक्स को कवर कर रहा है, यहाँ तक इसका पूरा मडगार्ड रहने वाला है। और इस टाइप के आपको USD फॉक्स मिल जाते हैं। यहाँ पे अगर आप देखिए, इस टाइप का आपको जो है रेडिएटर दिया गया है इसके अंदर। और यहाँ पे 390 की बैजिंग मिल जाती है। इस बाइक में ना दोस्तों सब कुछ एडजस्टेबल मिलता है आपको, उसकी भी हम बात करेंगे। पर साइड में मूव कर लेता हूँ। साइड में आपको 390 की बैजिंग मिल जाती है, KTM की बैजिंग मिल जाती है, रेडी टू रेस लिखा गया है यहाँ पे। इसका जो है कूलेंट मिल जाता है। इस टाइप के आपको इसकी पूरी चेसी मिलती है और बहुत ही लाइट वेट चेसी है। लाइट वेट होने के साथ साथ बहुत ही मजबूत भी है, ठीक है। उस ये बाइक जो है इंस्पायर्ड है KTM की जो 450 आती है रैली वाली, उससे इंस्पायर्ड है बेसिकली, ठीक है। उसी से सेम वैसा सा ही डिज़ाइन आपको बनाया गया चेसी का। यहाँ पे आपको जो है लेग गार्ड भी दिया गया है इस बाइक के अंदर ही, ठीक है। लेग गार्ड आपको मिल जाता है। यहाँ पे आपको जो है इसके स्लीपर क्लच मिल जाते हैं, क्लच एडजस्टेबल इसका रहने वाला है। और यहाँ पे इसके मल्टीपल मोड्स आपको दिए गए हैं और हैंडल जो है ना इसका काफ़ी चौड़ा है और पूरी एक एडवेंचर बाइक है, तो आपको बहुत मज़ा है इसको चलाने में आने वाला है। 14.5 लीटर का आपको फ्यूल टैंक मिलता है, E20 कंपेटेबल है, ठीक है। यहाँ पे आपका ना चाबी लगा के अपना फ्यूल वगैरह आप डाल सकते हैं इसके अंदर, ठीक है। DRLs एक बार आपको दिखा देता हूँ, उसके बाद स्क्रीन की बात करेंगे। तो ये इसकी पूरी DRLs बेसिकली रहती हैं, ठीक है। ऐसी DRLs रहती हैं और पूरी LED आपको सेटअप मिल रहा है। बहुत ही अल्टीमेट थ्रो है इस बाइक का, जो लाइट है उसका ऐसी से आपको स्क्रीन मिलती है। स्क्रीन के ऊपर भी हम आएंगे, पहले एक बार आउटलुक चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपको जो ये हैं कंट्रोल्स दिए गए हैं इसके, ठीक है गाइस। यहाँ पे आपको हॉर्न के लिए मिलता है, यहाँ पे आपको इंडिकेटर के लिए, यहाँ पे मल्टीपल जो है ड्राइविंग मोड्स है उसके लिए, और यहाँ पे पास के लिए मिल जाता है। प्लस यहाँ पे आपको सेल्फ स्टार्ट के लिए बटन दिया गया है नीचे, और साथ में आपको जो इंजन के स्विच यहाँ पे मिल जाता है। जो इसके ब्रेक लीवर है ना गाइस, वो भी फ्रंट डिस्क वाला, वो भी एडजस्टेबल है। यहाँ पे अगर आप देखें, आपके इसमें जो 5 तरीके की एडजस्टमेंट यहाँ पे आपको दी गई है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखें इसकी जो सबसे बढ़िया चीज़, जो इसके सस्पेंशन है ना, तो यहाँ पे अगर आप देखो ना, इसके जो सस्पेंशन है दोस्तों पूरी तरीके से एडजस्टेबल दिए गए हैं। आप अपने अकॉर्डिंग इसको एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखो दोनों साइड आपको ना ये एडजस्टेबल दिए गए हैं, तो ये एडजस्टेबल रहने वाली। इसकी हाइट है जो सीट की ना, वो भी एडजस्टेबल है। आप अपनी सीट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप अपनी कीज लगा सकते हैं। फुट पैक्स इसमें बहुत ही अल्टीमेट मिलते हैं और आपको ना क्विक शिफ्टर मिल रहा है। एक एडवेंचर बाइक में आपको क्विक शिफ्टर दिया गया है, रेसिंग KTM दिखा गया है। बेसिकली इनकी बाइक जो है रेसिंग वगैरह के लिए जानी जाती है ज़्यादा, तो बहुत ही अल्टीमेट इनकी बाइक्स होती है भागने के मामले में ना भाई, इन बाइक का कोई तोड़ नहीं है। पीछे वाला टायर ना, वो भी आपको जो है इस टाइप का मिल जाता है। और देखो जो टायर की प्रोफाइल है ना 180/17 यानी पीछे वाला टायर थोड़ा सा बड़ा है, और यहाँ पे आपको ना पूरी कवरिंग दी गई है ताकि आपकी बाइक में जो है अगर फॉर एग्जांपल कोई लेडीज़ वगैरह बैठ रही है तो कुछ कपड़ा वगैरह ना चला जाए, या अगर आप टूरिंग वगैरह पे जा रहे हो तो कुछ सामान उसके अंदर चलाना जाए स्पोक्स व्हील के अंदर, और आपको कोई नुकसान ना हो जाए, ठीक है। पीछे आपकी जो है टेल लैंप्स मिल जाती है, ऑल LED टेल लैंप्स रहने वाली है और ऐसा सा इंडिकेटर रहता है जो ब्लिंक करता है। तो ये देखो गाइस, ये पूरी ना ऑल LED टेल लैंप सेटअप है। देखो ऐसी लगती है रात को चलने में ना, बहुत ही प्यारी लगती है, ठीक है। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट की जगह दी गई, यहाँ पे आपको मडगार्ड दिए गए, प्लस साइड में रिफ्लेक्टर मिल जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी जो स्क्रीन है वो भी। प्लस साइड में अगर हम मूव करें
तो यहाँ पे आपको देखो काफ़ी तगड़े से ग्रैब हैंडल मिल जाते हैं, ठीक है। ग्रैब हैंडल अल्टीमेट से मिल जा रहे हैं, काफ़ी रगड़ फील होते हैं और मैट कलर में बेसिकली है। यहाँ पे ग्लॉसी ब्लैक और ऑरेंज कलर का यूज़ किया गया है, कहीं कहीं पर आपको ग्लॉसी ऑरेंज देखने के लिए मिलेगा, कहीं कहीं पर आपको जो है ग्लॉसी वो मैट देखने के लिए मिलेगा। तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है इस बाइक के अंदर। ये देखो दोस्तों, इस टाइप का आपको एग्जॉस्ट मिल जाता है, ठीक है। पीछे भी आपको डिस्क ब्रेक दिया गया है और पीछे आपको क्या है जो व्हील्स हैं वो रहने वाले हैं स्पोक वाले। ये बेसिकली प्रॉपरली पूरी एक तरीके से एडवेंचर कहते हैं, क्योंकि जो एडवेंचर बाइक होते हैं मैक्सिमम आपने देखा होगा उसमें जो है अलॉय व्हील्स नहीं आते हैं, स्पोक व्हील आते हैं। क्योंकि एक इम्पैक्ट होने के बाद क्या होता है, अलॉय व्हील जो है टूट सकता है, लेकिन जो स्पोक व्हील होते हैं वो टूटते हैं। तो ये KTM का कहना है कि ये प्रॉपर तरीके से एक पूरी एडवेंचर है। पीछे आपको मोनोशॉक दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे आपको मोनोशॉक मिल जाता है, यहाँ पे आपको एडवेंचर मिल जाता है, ठीक है। यहाँ पे KTM की ब्रांडिंग मिल जाती है। इंजन देखो कितना अल्टीमेट है इसका। इंजन में इसकी लगभग ना आपको 43 या 44 BHP की पावर मिल रही है और 37 Nm के आसपास आपको जो है टॉर्क मिल जाएगा। एग्जैक्ट फिगर्स आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो। दोस्तों माइलेज की अगर हम बात करें इस गाड़ी में, आपको लगभग 30 तक का माइलेज मिल जाएगा। ये एक बार इसकी स्क्रीन दिखाता हूँ, जो बहुत ही अल्टीमेट चीज़ है, ठीक है। इसमें क्या है, आपको ना जो ये वाली एडवेंचर है इसमें आपको नॉर्मल ये मिलती है स्क्रीन, लेकिन इस वाली में आपको जो है पूरी जो है LED स्क्रीन मिल रही है। ये वाली जो स्क्रीन है बहुत ही अल्टीमेट लगती है। मल्टीपल मोड्स आपको यहाँ पे मिल जाते हैं, आपको दिखाएगा कि आपका ट्रिप ए कितना है, ट्रिप बी कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दे देगा। यहाँ पे 12,000 RPM तक की मार्किंग दी गई, यहाँ पे स्पीड का देगा, यहाँ पे कौन सा मोड है वो दिया गया है, MTC ऑन है या ऑफ है वो दिया गया है, कौन से मोड पे है, रोड मोड पे है, स्ट्रीट मोड पे, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ से दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे देखो और भी लाइट्स आपको मिलती हैं, ABS की लाइट मिलती है, ट्रैक्शन कंट्रोल की मिल रही है और यहाँ पे हैजार्ड की एक लाइट मिल जा रही है। यहाँ पे भी आपको एक लाइट मिल जाती है, प्लस यहाँ पे भी एक आपको लाइट मिल रही है इंजन ऑयल वगैरह के लिए, ठीक है। तो यहाँ से आप इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं इन बटन से। देखो यहाँ पे दिखाएगा ट्रिप वन, ट्रिप में कितना टाइम है, डेट दिखा रहा है, बैटरी के वोल्ट दिखा रहा है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको दिखा देगा। यहाँ पे कौन सा मोड है बाइक का, राइडिंग मोड है, मोटरसाइकिल और सेटिंग्स, ये सारी चीज़ें आप यहीं से देख सकते हैं। क्विक सेक्टर वन, क्विक सेक्टर टू, ब्लूटूथ आप कनेक्ट कर सकते हैं, डिस्प्ले की थीम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। डिस्प्ले की थीम अगर आपको चेंज करनी है, नाइट में करना है, तो आप यहाँ से ये कर सकते हैं, आपके ऊपर है। मतलब ऑटोमेटिक आप रखेंगे तो ऑटोमेटिक भी बढ़िया है, तो ये सारी चीज़ें आप यहीं से कर सकते हैं। तो ये ब्लूटूथ का यहाँ से दिखा देगा आपको, क्विक सेलेक्टर वन, और ये सारी फेवरेट चीज़ें आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद दोबारा अगर मैं यहाँ से सेलेक्ट करूँ इसको जो है डिस्प्ले की थीम, तो यहाँ से आप ऑटोमेटिक पे भी जा सकते हैं, नाइट पे भी जा सकते हैं, वो आपकी खुद की चॉइस है, आप यहीं से जो है पूरी सिलेक्शन कर सकते हैं। राइड मोड्स अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको स्ट्रीट और ऑफ रोड जो है राइड मोड दिया गया है। उसके बाद अगर हम और देखें मोड्स, इसमें आपके ट्रिप्स और डेटा जो भी आपका दिखाएगा, पूरा ट्रिप वन का डेटा दिखाएगा, वार्निंग दिखाएगा, जनरल इन्फॉर्मेशन सारी आपको यहीं से बता देगा। KTM माई राइड का ऑप्शन में आप क्लिक करेंगे तो ऑडियो, नेविगेशन, पेयरिंग, वो सारी चीज़ आप अपने फ़ोन वगैरह पेयर करेंगे तो उसके लिए कंट्रोल्स हैं, ठीक है। इसकी हम ज़्यादा डीप में बात नहीं करते हैं, ये तो आप देख सकते हैं। मेन यहाँ पे क्या है, इसके अंदर आपको GPS भी दिया गया है, यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे GPS आपको दिया गया है इस बाइक के अंदर, ठीक है। इसीलिए ये बाइक थोड़ी सी क्या है, महंगी है। GPS आपको दूसरे वाली में भी मिलता है, बस इस बाइक में क्या चीज़ है कि आपको ये पूरी तरीके से एडजस्टेबल दी गई है। आप इसके हाइट को एडजस्ट कर सकते हैं, मोनोशॉक एडजस्ट कर सकते हैं, आप इसके फ्रंट वाले सस्पेंशन एडजस्ट कर सकते हैं, हर एक चीज़ आप इसमें एडजस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हैं इस बाइक के बारे में, ठीक है। और मतलब बहुत ही सही लगती है। मेन तो मेरा मकसद था आपको एक इस बाइक का लुक दिखाना और ये दिखाना, एक कंपैरिजन वीडियो भी कर दूंगा इन दोनों की, बट अभी आप मेन क्या है इस बाइक पे फोकस कीजिए कि ये बाइक कैसी है। तो इसकी जो कीमत है लगभग 3,62,63,000 रुपए एक्स शोरूम रहती है न्यू दिल्ली में, ठीक है। बाकी आपकी सिटी में जो प्राइस है वो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको आपकी सिटी का प्राइस बता दूंगा, क्योंकि हर सिटी में जो प्राइस है वो फ्लक्चुएट होता है एज पर RTO चार्जेस, ठीक है। तो एक्स शोरूम प्राइस मैं आपको बता दे रहा हूँ 3,61,62,000 रुपए की है। तो ये सारी चीजें हैं इस बाइक के बारे में। इसका जो इंजन है भाई सबसे मस्त है इसका इंजन, ठीक है। इनके इंजन बड़े तगड़े होते हैं KTM के ना। इस बाइक में आपको डुअल चैनल ABS भी मिल जाते हैं और भी बहुत सारे फीचर्स हैं, आपके स्क्रीन पे डाल दूंगा। मेन मेरा मकसद था आपको जो है इसकी जो है लुक्स दिखाना, बाइक की आउटलुक दिखाना, ठीक है। तो ये सारी इस बाइक की लुक थी। और यहाँ पे अगर आप देखना, इसकी सीट बहुत कंफर्टेबल है भाई, ठीक है। दो बंदे बहुत आराम से इसके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। एक बार मैं इसकी आपको हेडलैम्प भी अगर जला के दिखा देता हूँ। गुरुंदर एक बार बाइक को स्टार्ट करना, एक बार इसकी आवाज़ सुना देता हूँ सबसे पहले, उसके बाद आपको जो है हेडलैम्प दिखाऊंगा इसकी, ठीक है। तो आवाज़ कैसी वो एक बार आपको दिखा देता हूँ। तो ये इसका एग्जॉस्ट है बेसिकली, ठीक है। और एक जो है मैं माइक इसके एग्जॉस्ट के पास लगा देता हूँ ताकि आपको आवाज़ पता लगती रहे। तो गाइस ये थी इस बाइक का जो है, आपने एग्जॉस्ट की आवाज़ सुनी, मतलब आपको प्रॉपर जो टूरिंग बाइक का जैसा आवाज़ होता है ना वैसा सा आवाज़ लगेगा, ज़्यादा सर खाने वाली आवाज़ नहीं है, बट अच्छी आवाज़ है, ठीक है। ये सारा चीज़ था इस बाइक के बारे में। बाकी अगर आपके फिर भी कोई क्वेश्चन रह जाते हैं इस वीडियो में इसके अलावा, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हैं इंस्टाग्राम पे, ठीक है।
मुझे डीएम कर दीजिएगा इंस्टाग्राम पे, मैं आपको जो है रिप्लाई दे दूंगा। कीज़ एक बार दिखा देता हूँ, तो ऐसी सी आपको जो है बेसिक वाली कीज़ इसके अंदर मिलती हैं। दो चाबियाँ आपको मिलने वाली हैं इस बाइक के अंदर, ठीक है, ये दो चाबियाँ आपको इसके अंदर मिल जाती हैं। WP की आपको नीचे ब्रांडिंग भी दी गई है, तो ये चीज़ बढ़िया है भाई इस बाइक में ना, कि आप अगर एडवेंचर वगैरह कर रहे हो तो आपको स्पोक व्हील दे देंगे। अगर आप प्रॉपर एडवेंचर बाइक ले रहे हो ना, तो फिर आपको इसको एक बार देखना चाहिए पक्का, ठीक है। इसमें क्या है, नकल गार्ड्स वगैरह नहीं मिलते हैं, लेकिन दूसरे वाले आपको नकल गार्ड वगैरह मिल जाएंगे। उसकी भी एक वीडियो बनाऊंगा, आपको डाल दूंगा आई बटन में, आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये था पूरा इस बाइक के बारे में लुक। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है, क्योंकि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।